हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच मैथ्स। और मैथ्स में हमने आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर ये सब सीख लिया है ना, तो आज हम न्यू टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है बिटवीन नंबर। बिटवीन नंबर मतलब क्या? अब आपने आफ्टर सीखा मतलब नंबर के बाद लिखने वाला, बिफोर सीखा नंबर के पहले जो आता है वो लिखने वाला, बिटवीन मतलब आपको दो नंबर दिया रहेगा और उसके बीच में डैश रहेगा, आपको वो डैश में फिलअप करना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 9-11, तो 9 के बाद क्या आता है 10, तो हम इधर 10 लिख देंगे। अब देखो इसमें आफ्टर और बिफोर दोनों का आप कर सकते हो। अगर आप आफ्टर देखो 9 और 10, 9 के बाद 10 आता है तो हमने लिख दिया, या फिर 11 के पहले क्या आता है 10, तो ये भी दोनों का आंसर सेम ही है तो इसलिए इधर आएगा 10। वैसे ही 14 है, 14 के बाद क्या आता है 15, 14, 15, 16 हमने लिख दिया। देन 18, 18 के बाद क्या आता है 19। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो देखो इधर 5 के बाद क्या आता है, आप लोग 1 की लाइन काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या मिला आपको 5 के बाद 6, तो 6 के बाद 7 इधर है ही, 5, 6, 7। देन वापस से 1, 2, 3, 4 आया, तो हम लोग इधर लिखेंगे 4, 3, 4, 5। 18 के बाद क्या आता है 19, तो हम इधर 19 लिख देंगे। देन 21 है, तो 21 के बाद क्या आता है 22, तो हम इधर लिखेंगे 22। ओके, इसके बाद 25 के बाद क्या आता है, यस 26 आता है, तो हम 26 लिखेंगे। देन 31 है, 31 के बाद क्या आता है, ये तो बहुत ईजी है, 32 लिखेंगे। देन 25 लिख देंगे, फिर 22 है, तो 21, 22, 23, तो हम लोग इधर लिख देंगे 23। ये देखो लास्ट क्या है 1-3, ओके 1-3, तो क्या आएगा इधर 1, 2, 3, तो इधर आप लोग लिख देंगे 2। ये तो बहुत ईजी है, सबको आता है, स्टार्टिंग का ही काउंटिंग नंबर है ना, 1, 2, 3, 4 हम ऐसे काउंट करते, तो ये इधर ही आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो बस इसमें इतना ही था और कुछ ज़्यादा नहीं है। बिटवीन नंबर में आपको बस मिडल में नंबर अपना फिलअप करना होता है। ओके, आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।